हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं लगभग 10 सुबह के, और थोड़ा लेट हो गया था सोने में। लगभग 1:15 बज गया था मुझे सोते सोते एडिटिंग करते करते। और स्ट्रेंज की बात यह है कि सुबह उठते ही धमकी मिली आरती के थ्रू। बोला है कि तुम्हारी जनता को मैं तुम्हारी रियलिटी बताऊंगी, तो एक बार इसकी रियलिटी सुन लो। हाँ बता, क्या बता रही थी? इन माशे को देखो, सुबह 10 बजे उठते हैं और फिर बाथरूम में 1 घंटा लगाते हैं। तो अब इनसे ये पूछो, बाथरूम में करते क्या है? भाई 1 घंटा बाथरूम में ऐसे लगेगा गाइस। सबसे पहले तो ब्रश करो, 5-7 मिनट उसमें लग जाएंगे। उसके बाद फ्रेशन अप हो, उसके बाद गीज़र में पानी गर्म होगा तब तक फ़ोन वोन यूज़ करता हूँ। गीज़र गर्म होने के बाद नहाने लग जाता हूँ। अब इतना तो टाइम ऑब्वियस ये लगेगा इतनी इतनी सारी चीज़ों में। हाँ, और इसके अलावा इसके अलावा अब 12 बज जाएंगे जाने जाने में, फिर जिम पर जाके करेंगे क्या? जिम पर जाके, अब आप बताओ, मॉर्निंग का सेशन नितिन अटेंड कर लेता है मॉर्निंग में जो लोग हैं, दिन में अब मैं चला जाऊंगा, दिन से रात तक मैं और रहूंगा। दिवाली के टाइम काम कितना फैला हुआ है, साफ सफाई वो कौन करेगा? कुलदीप और है। हाँ, और अब इनकी रियलिटी सुन लो। 12 बजे सो जाएंगे, 7 बजे उठेंगे, 7 घंटे की नींद। उसके बाद दिन में सो लेंगे आराम से 5-7 घंटे। हाँ अब बोल। क्या बोलूँ, अब मैं तो थक जाती हूँ ना काम करके। तो 5-7 घंटे शाम को और 7-5-7 घंटे सुबह। बोल, अब बोल। ये देख लो, ऐसी होती है डेविल स्माइल, देख लो, कोई जवाब नहीं है। सो ये रियलिटी होती है गाइस। तो आपका भाई जाता है 10 बजे, 10 बजे उठ के 11 बजे 11:30 बजे तक जिम, और रात को आता है 10-10:30 बजे। हाँ बोल। मैं तुमसे ज्यादा काम करती हूँ, घर पर सारा काम करती हूँ। तो घर पर रहेगी तो काम करेगी ना भाई, कोई एहसान थोड़ी है। हमेशा से फ्रॉम डे वन फर्स्ट मील इसने बनाई है, और फर्स्ट मील ऑलमोस्ट ये रहती है अपनी। लगभग 10 बादाम और बनाना प्रोटीन शेक है आज। ये नॉर्मली पानी, ओट्स, प्रोटीन और पीनट बटर होता है ना। बनाना कितने दिन से लेने लगा हूँ मैं? अभी 3 दिन से 3 दिन से बनाना इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में चल रहा था, तो सोचा थोड़ी कैलोरीज इनटेक कर लें। एक बनाना में लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब 100 कैलोरी के आसपास होती है। सो फर्स्ट मील ऑफ द डे, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मील, थैंक यू सो मच। निकल गए हैं अभी जिम के लिए, और आज का जो प्लान रहने वाला है वो ये है। सारे स्टाफ, क्लीनिंग और क्रू स्टाफ की बात कर रहा हूँ, क्लीनिंग ड्राइवर और ऊपर जिम में 2 क्लीनिंग वाले हैं, 1 ड्राइवर है, तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली दिवाली की कपड़ों की शॉपिंग करने निकलने वाले हैं। उनको जो भी बोनस है वो सब कुछ देके और 2 लोगों को रवाना करके एक यहाँ जिम पे रुकने वाला है। सो उनको शॉपिंग करवाते हैं और देखते हैं क्या प्लान बनता है। हाल फिलहाल तो बस यही है, और शायद दिन में हर्ष आएगा मिलने। सो निकल रहा हूँ अभी जिम में अपनी बसंती के साथ। सो लव यू ऑल, मिलते हैं अब सीधा जिम पर। भाई साहब, आरती बिल्कुल सही कह रही थी, यहाँ पर नितिन जिम की सफाई कर रहा था। देखो सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है, एक एक चीज़ अपनी जगह पे, सब कुछ बहुत साफ सुथरा। ऑफिस ऑफिस सब साफ करवा दिया इसने। देखो भाई, आज सुनने को मिलेगा, देखो एक एक चीज़ कितनी सही प्लेस्ड है, अपनी अपनी जगह, कोई गंदगी नहीं, ये भरा पड़ा रहता था गंदगी से, बहुत सही साफ करवा रखा है। आपको कार्डियो सेक्शन दिखाता हूँ कितना सही कर रखा है। ये देखो ट्रेडमिल की हालत देखो आप, ट्रेडमिल देखो कितनी साफ है, एक चीज़। लगभग 2 बज रहे हैं, शॉर्ट आ गया है, जाके चेक करो, प्यार दिखाओ, कमेंट करो। अभी जा रहा हूँ मील लेने। वर्कआउट का नशा बहुत तगड़ा है, मतलब इतना तगड़ा एडिक्शन है ना मुझे, मतलब जिस दिन वर्कआउट ना करो उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। रेगुलर डाइट, रेगुलर एवरीथिंग, इससे क्या है, डिसिप्लिन और शेड्यूल्ड रहती है लाइफ। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ प्लान है। आई लव दिस फकिंग प्रोसेस ब्रो। कल रात को थी तो सही बैग में मील, बट युवराज की वजह से चीट हो गया था। वो कैफे कौन सा है, वो पता नहीं कौन सा कैफे, ब्रू मुझे नहीं पता, व्लॉग में चेक कर लेना, वहाँ ले गया था और काफ़ी कैलोरीज इनटेक हो गई थी। सो अभी वापस से अपनी वही बेसिक मील जो रेगुलर चलने वाली है। आज है ट्रांसफॉर्मेशन का डे 95। आज अपन हिट करेंगे चेस्ट, और कल से जिम बंद है, तो कल से जब भी टाइम मिलेगा अपने को काम से, दिवाली पे बहुत काम होगा, तो उसके बाद अपन लेग्स जब भी टाइम मिलेगा तब हिट कर लेंगे। उसके बीच में बहुत सारे वीडियोस भी क्रिएट करनी है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा शेड्यूल करने का या शूट करने का, तो एक भी दिन अपन स्किप नहीं करने वाले अपने व्लॉग्स या फिर अपनी शॉर्ट्स को।
सो प्यार करो, सपोर्ट दिखाओ। अभी लंच किया है, इसके बाद वर्कआउट पे जाऊंगा, सो मिलते हैं बाद में। ट्रांसफॉर्मेशन डे 95। इन 95 दिनों में ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 15 से 20 लोग इंस्पायर हुए हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं लाइफ में। उन सबका नाम नहीं लूँगा, बट अंदर से बहुत खुशी है कि मुझको देख के कुछ लोग, भले ही वो 15 हों, 20 हों, 25 हों, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे जितनी सराउंडिंग है सबको ही कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रही है। इसीलिए एक बार बार यही कहता हूँ कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से सराउंड करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव भी लोगों को दूर फेंको, क्योंकि लाइफ में ये नेगेटिव लोग और कोई काम नहीं आने वाले। ऐसे लोग रखो जो पॉजिटिविटी दें, आपको प्रमोट करें, आपकी लाइफस्टाइल सुधारें, यही सब करो। सो आज मैं सिर्फ हिट करने वाला हूँ चेस्ट को। नए फ़ोन की कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। नया फ़ोन लिए मुझे लगभग 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन अभी लग, आपने स्टोरी देख ही रहे हो, 10 दिन हो गए, और 10 दिन में से मैंने उसे शायद 10 मिनट भी यूज़ नहीं किया है। रीज़न ये है कि वो फ़ोन एक्टिवेशन लॉक पे अटका हुआ है, एप्पल आईडी पासवर्ड भूल गया था तो वो लॉक हो गया है। अब लगभग 9 दिन, आज मैंने चेक किया था, 9 दिन बाद वो फ़ोन चलेगा। सो पुराने फ़ोन से व्लॉगिंग करनी पड़ रही है, बट आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और लगभग 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। 1 मिलियन बोलने में ही इतना प्राउड या अच्छा फील हो रहा है, क्या बताऊँ। आपने देखा है शुरू से कि थैंक यू सो मच, 70,000 व्यू, 80,000 व्यू, 1,00,000 व्यू, 2,00,000 व्यू, 3,00,000 व्यू, ऐसे करते करते अपन लोगों ने लगभग 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करने वाले हैं अपन कुछ दिनों में। सो आई एम सो थैंकफुल, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। चेस्ट डे है, चेस्ट मारेंगे अपन सबसे पहले। Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me, you know that I'll follow. Day 95, this is the conditioning. जिन्होंने सपोर्ट किया उनको दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एनी टाइम हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा, दिस इज़ माई कमिटमेंट। जिन्होंने सपोर्ट किया, मुझे पता है कि इन्होंने दिल से सपोर्ट किया है। लव यू ऑल। डन विथ डे 95। सिर्फ चेस्ट किया है, पांचों एक्सरसाइज चेस्ट की आपने देख ही ली होगी।
तो अभी पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करूंगा हाफ बनाना, जिससे ग्लूकोज मिले, थोड़ा कार्ब्स जाएंगे, तो जो भी ग्लाइकोजन डेवलप हुआ है बॉडी में वो डिप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वन स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम करने वाले हैं, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नाइकी जाऊंगा, दो तीन प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो अब मैं जाऊँगा डायरेक्ट नाइकी पे। पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम हाफ बनाना और वन स्कूप वे प्रोटीन। सॉरी गाइस, नाइकी नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा थार में पीछे एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा भाई से भिड़ गई थी, सो कहीं नहीं जा पाए अभी हाल फिलहाल। दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो आप डेली व्लॉग्स को, आई लव यू ऑल। और अभी लास्ट मील ऑफ द डे कंज्यूम करूँगा चिकन और 70 ग्राम्स कुक्ड राइस, दैट्स इट। उसके बाद सोने से पहले आज पीऊँगा प्रोटीन शेक, क्योंकि मैंने, मुझे याद नहीं है कि मैंने पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन कंज्यूम किया या नहीं किया, क्योंकि कार की खबर आ गई थी कि पीछे से ठोक दी है किसी ने, तो इसलिए। सो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है 8 बजे ब्लॉग अपलोड होने के बाद 9 बजे तक, कि दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलने का मन करता है। आई लव यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऐसे ही डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। डेली लाइफ में जो एडवेंचर्स हो रहे हैं उन सबसे आपको आपको रूबरू करवाएंगे, आपसे वाकिफ करवाएंगे एक एक चीज़ को। डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 95 दिन मुझे पता है मैंने कैसे फेस किए हैं, किसी को भी नहीं पता है मेरे अलावा मैं किस किन हालातों से गुजर रहा था, किस पेन में था, किस टाइप के डिप्रेशन में था, किस एंजाइटी लेवल पे था। थैंक यू सो मच, आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस, आई लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे ट्रेनर्स के दिवाली बोनस के लिए देखिए मिठाइयाँ आ गई है, और बस अभी लास्ट मील ऑफ द डे कंज्यूम करके सबको ये दिवाली बोनस देना है। और विशिंग एवरी सिंगल जिम मेंबर और जिम एम्प्लॉय दिल से हैप्पी दिवाली। आई एम ऑलवेज विथ यू गाइज, आई लव यू सो मच, लव यू ऑल।